अगर आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें कि आपको रेंज भी अच्छी खासी मिले और परफॉर्मेंस भी डिसेंट हो, तो आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जरूर चेकआउट करना चाहिए। यह है ओडिशा की तरफ से आने वाली हॉक इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि ये सिंगल चार्ज में अप टू 170 किलोमीटर तक का रेंज प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सारे स्पेक्स के बारे में बातें करने वाले हैं, देखेंगे क्या है इसकी प्राइसिंग और इसके फाइनेंस स्कीम के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मोटर स्पेक्स के बारे में। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 1800 वॉट का मोटर मिलता है जो कि 1900 वॉट की पीक पावर अचीव कर सकता है। 44 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क है, यानी कि पिकअप भी यहां पर अच्छा खासा है। कंपनी क्लेम करती है कि ये स्कूटर 45 kmps तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी टॉप स्पीड 50 kmps से भी ज़्यादा चली जाती है। यहाँ पर हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर साइड में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर हमें राउंड शेप का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें कि ओडोमीटर, टॉप स्पीड और बैटरी वोल्टेज जैसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। बात करते हैं इसके स्विच गियर्स की। तो यहाँ पर ये रेड कलर का हॉर्न स्विच है, उसके ऊपर ये DRLs और हेडलाइट के स्विच हैं। इस स्विच को एक बार दबाने से इसके DRLs ऑन होंगे और दूसरी बार दबाने से इसकी हेडलाइट भी चालू हो जाएगी। वहीं लेफ्ट साइड पर हमें यहाँ पर लोबिन एंड हाईबीम का स्विच मिलता है, उसके नीचे इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं और ये नीचे जो रेड कलर का बटन देख रहे हैं ये भी हॉर्न का बटन है, यानी कि इस स्कूटर में दो हॉर्न के बटन्स हैं। और ये साइड में राइडिंग मोड्स का स्विच है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें दो राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रिवर्स असिस्ट का फीचर यहाँ पर हमें नहीं मिलता। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल है जिसे आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें इंडिकेटर्स और DRLs LED की मिलते हैं, बस जो हेडलाइट है वो बल्ब वाली है। इसमें हमें क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिलता है। अगर आप इस स्कूटर को एक कांस्टेंट स्पीड पर कुछ देर तक रखते हैं तो इसका क्रूज कंट्रोल एंगेज हो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बिना एक्सीलरेटर प्रेस करे ही चलने लगती है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्रूज कंट्रोल को डिसएंगेज करने के लिए या तो आप एक्सीलरेटर घुमा सकते हैं या फिर ब्रेक प्रेस कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें म्यूजिक सिस्टम का फीचर भी मिलता है जो कि मैंने पहली बार किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखा। इसके म्यूजिक सिस्टम में या तो आप FM चला सकते हैं या मोबाइल कनेक्ट करके कोई भी अपना मनपसंद सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, यानी कि आप इसे ब्लूटूथ स्पीकर के जैसे भी यूज कर सकते हैं। और इसके म्यूजिक सिस्टम के जो बटन्स हैं वो टच सेंसिटिव है, यानी कि आपको इन बटन्स को सिर्फ टच करना है, प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें दो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि काफी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर हमें USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इस पोर्ट पे आप पेन ड्राइव लगाकर भी इसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हो या तो चाहो तो अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। इस स्कूटर का बूट स्पेस ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें बैटरी मिलती है। ये बैटरी रिमूवेबल है, यानी कि आप इसे निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। निकालने के लिए पहले आपको ये MCB स्विच ऑफ करना होगा, उसके बाद जाके आप इस बैटरी को निकाल सकते हैं। और बैटरी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है जो कि लगभग 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और सिंगल चार्ज में अप टू 170 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है। ये बैटरी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर बूट स्पेस में ना के बराबर स्पेस है। खैर, हमें सामने की ओर दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें दो कीस और दो रिमोट कंट्रोलर्स मिलते हैं। इसके कंट्रोलर में मेनली 4 बटन्स हैं, 2 बटन लॉक अनलॉक के लिए हैं, 3रे बटन में फाइंड माई व्हीकल का फीचर है और 4थे बटन में कीलेस एंट्री का फीचर है। इसके रिमोट कंट्रोलर के पावर बटन को 2 बार प्रेस करने पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बिना चाबी लगाए ही ऑन हो जाती है। ओके, तो अब लेते हैं इस गाड़ी की टेस्ट राइड। ये हमने इग्निशन ऑन किया और अब गाड़ी चालू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली इसके टेस्ट राइड के टाइम मेरे GoPro ने धोखा दे दिया और बहुत छोटी सी क्लिप ही रिकॉर्ड हो पाई है, लेकिन ओवरऑल इस स्कूटर को चलाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर पिकअप अच्छा है, सिटी में क्रूज करने के लिए इनफ पावर है। और शॉर्ट में आपको यही बोलूंगा, अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्टेड हो तो एक बार इसकी टेस्ट राइड लेकर देखो। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट एंड रियर में हमें ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं जो कि 12 इंचेस के हैं। इस स्कूटर का टोटल वेट है 128 kg और इसकी लोड कैपेसिटी है 150 kg। इसकी सीट हाइट है 830 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अब फाइनली बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एसेसरीज,
ये सब कुछ करके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑन रोड प्राइस है 1,31,625 रुपीस। प्राइस आपको इसकी थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरीके से फीचर से लोडेड है, प्लस इसमें हमें 170 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में ओडिसे की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो इस सेम इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक हॉग लाइट वेरियंट भी आता है जिसमें हमें 80 किलोमीटर की रेंज मिलती है, लेकिन आप इसके 170 किलोमीटर रेंज वाले वेरियंट को भी आसानी से अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस स्कीम काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेस करते हो तो अराउंड 26,000 रुपीस का आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी का अमाउंट आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट 12-15% पड़ेगा। और फाइनेंस के लिए आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। मंथली ईएमआई यहां पर आपके लोन टेन्योर पर डिपेंड करती है कि आप लोन को कितना लंबा खींचते हैं। और ये जो फाइनेंस स्कीम मैंने आपको बताई ये स्पेशली अवेलेबल है सिटी व्हील्स एंड ऑटोमोबाइल्स रायपुर शोरूम में। इस शोरूम की सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप इस शोरूम में हमारे थ्रू जाते हो, यानी कि आप शोरूम जाके बताओगे कि आप मोटोटाउन यूट्यूब चैनल देख कर आए हो, फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करो, आपको 1000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी इस स्कूटर के वारंटी की बात करें तो इसके लिथियम आयन बैटरी में हमें 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है। तो आई थिंक मैंने इस स्कूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।